भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा से चेतना तिराहा स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा तक पदयात्रा निकाला और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की तथा देश में बढ़ती खाद्य पदार्थों तथा पेट्रोल डीजल के दामों पर रोक लगाने की मांग की। इस अवसर पर अनिल दुबे, श्री प्रकाश सिंह, दिलीप कुमार निषाद, मनोज श्रीवास्तव, मुस्तफा अंसारी, गोपाल गांधी, जितेंद्र विश्वकर्मा, अंशुमान पाठक, अभिजीत पाठक, ओसामा खान, राशिद कलीम अंसारी, शकील अहमद, सुमित पांडे, सुशांत शर्मा, डॉक्टर अनिल तिवारी, सुहेल अंसारी सहित भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था, आज खिलाफ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। आज हम लोग गांधी आशुतोष तिवारी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद गांधी अमर रहे आशुतोष तिवारी अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आप जैसा कि जानते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस का बलिदानी इतिहास रहा है। जब देश परतंत्र था उस समय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसी अगस्त महीने में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था। आज फिर कांग्रेस को इस देश की जरूरत है, इस देश को कांग्रेस की जरूरत है। ऐसे समय में हम भारत पर गद्दी छोड़ो का नारा बुलंद करते हुए महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के हित में, आम जनता के हित में, महिलाओं के हित में आज महात्मा गांधी के मूर्ति से पदयात्रा निकाल करके इस भाजपा के कुनीतियों के खिलाफ संघर्ष का आगाज कर रहे हैं। और हम लोग अब जनहित में जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आज संघर्ष में उतर चुके हैं।